से चने खिला दो। हाँ लो बाबू, गर्मा गर्म चने हैं, भगवान कसम खाओगे तबीयत खुश हो जाएगी। लाओ पैसे बाबू। पैसे तो नहीं है भाई। बोलते हैं किस्मत का खेल, दो आने का टिकट, चने का बंदोबस्त हो गया। किसी का लव लेटर मालूम होता है, चलो वापस कर देंगे, बेचारी खुश हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच भगवान, थैंक यू। ममता तो कल भी अपन इधर ही खड़ा रहेगा, तुमको अपना एड्रेस मालूम है। थैंक यू। एक ही पैसा तो दूंगा ना। माई बाबा लड़ाऊंगा, माई बाबा एक पैसा दे दो, एक पैसा माई बाबा, बाबू जी एक पैसा, एक पैसा बाबू जी, एक पैसा बाबू जी, एक पैसा दे दो बाबू जी, एक पिला दो बाबू जी, एक पैसा बाबू जी, एक पैसा को एक पैसा दे दे बाबू, ए बाबू अन्नी को एक पैसा दे दे बाबू, तेरा भला होगा बाबू, तेरी जोड़ी सलामत रहे बाबू, तेरे बच्चे जी हैं बाबू, ए बाबू ऐसा क्या इतना पैसा कमाता अन्नी को तो आना नहीं देता बाबू, भूख लगी है बाबू, खाना नहीं खाया बाबू। हाँ बाबू, क्या करेगी पैसे का? ए बाबू तेरा नाम लेके रोटी खाऊंगी, तेरे बच्चों को दुआ दूंगी बाबू, तेरा घर आबाद रहे बाबू, तेरी जोड़ी सलामत रहे बाबू, ए अंधी को दो पैसा दे दे बाबू, ए बाबू अंधी को दो पैसा दे दे बाबू, अंधी को छोड़ छोड़, मेरी बहनी झूठ बोलती है, अंधे होने से मेरी बहनी छोड़ कहीं धोखा देती है, बड़ी बड़ी ये क्या हुआ, तुम अचानक का है तुम लोगों ने? पहचानी हुई ध्वनि, मैं खूब जानता हूँ तुम लोगों को, तुम कितने ईमानदार हो, कमक तो तुम्हें सड़कों के सिवाय मरने के लिए और कहीं जगह नहीं मिलती। बम्बई में सड़क मकान और दुकानें के सिवाय है ही क्या सर? इंस्पेक्टर साहब, दुकान और मकानों में लोग नहीं घुसने देते, सड़क पे आप नहीं रहने देते, आखिर ये गरीब जाएंगे कहाँ? गरीब, अरे मर्दूदों, निठल्ले आवारा और निकम्मे फिरने में तुम्हें क्या मजा मिलता है? कुछ काम करो, धंधा करो, इज्जत से रोजी कमाओ, इंसान बनो। झूठी कहीं, मैं सब जानता हूँ, तुम लोग मेरी नरमी का नजायज फायदा उठाते हो, एक दिन सब हवालात बंद कर दूंगा तो नानी याद आ जाएगी, भागो यहाँ से बदमाश, भागो भागो, सवार हो जाओ। तुम लोगों को भीख मिली? अरे भीख तो क्या, अभी जूते मिल जाने बच गए। अरे तेरे को मालूम नहीं धोनी के लिए कितना झगड़ा होगा, इंस्पेक्टर है मानो, क्या हुआ क्या? अपना इंस्पेक्टर है ये, बोल तेरा क्या हुआ? मेरे को भगवान ने धोने का टिकट दे दिया और मैंने उसको भी एड्रेस दे दिया कि मैं रोज इधर खड़ा। तुम लोगों को एक हैकर नहीं बताता हूँ, पीछे डबल रोटी की बेकरी है ना, उसमें बहुत ताजा ताजा गर्म माल बन रहा है, आज रात को मामला साफ कर लेने का है। क्या बोलता रहा है बेसिस के अंदर पूछ के? वो तो हमेशा डरती है। अरे डरेगा नहीं तो क्या, एक काम करें, अब अनोखी को बोले हैं वो ये काम कर सकती है। चल ना, जब भी भूख ने हमको सताया हम करेंगे पाव रोटी का समाया।
कौन है? मैं कौन? कोई नहीं, मैं। और तू कौन है? मैं एक आदमी हूँ, और तू कौन है? मैं भी एक लड़का हूँ। क्या चाहिए तुझे? रोटी। अरे तुझे भी भूख लगी है, मैं समझा कोई और है। कहाँ है रोटी? इधर। लड़कियों का नाम हुआ? वैसे तो मेरा असली में नाम अनोखी लाल है, मगर मेरे साथी मुझे अनोखी कहा करते हैं। क्या काम करता है तू? जो मिल जाए, और अगर काम नहीं मिलता तो भीख मांगता हूँ, और अगर भीख नहीं मिलती तो चोरी करता हूँ। अभी तक अनोखी का पता नहीं, कहीं तंदूर में रोटी तो नहीं गर्म कर रही? पहले की बात है, तंदूर में रोटी गर्म कर रही है? एक डबल रोटी थोड़ी लाएगी, इतनी सारी डबल रोटी लाएगी सबके लिए? चुप रहो चिल्ला। बेकरी के बाहर जो दूसरे लोग मिले थे वो कौन थे? मेरे साथी। अच्छा, तभी वो लोग भी तेरी तरह ईमानदार मालूम पड़ते थे। बिल्कुल। मैं तो समझा था कि तुम दूसरे ईमानदार हो, पर तुम तो जेंटलमैन मालूम होते हो। हाँ, और क्या मालूम होता हूँ? चोर नहीं मालूम होते। अच्छा, फिर बेकरी में डबल रोटी चुराने क्यों गुस्से थे? मुझे भूख लगी थी। खैर, हम कहाँ हैं? ये जगह कहीं थाना के पास मालूम होती है। तो फिर जाएंगे कैसे? वो देखो, ट्रेन जा रही है, स्टेशन नजदीक ही होगा, चलो चले। नहीं, अभी नहीं, रात के अंधेरे में चलेंगे।
अंधेरे में? अंधेरे में क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर सुस्ता ले। बहुत गर्मी है, चलो इस पानी में नहाए। नहाए? हाँ। नहीं बाबू, ये पानी अच्छा नहीं, देखो ना कितना गंदा है, घर जाके नहाएंगे। अबे चल नहा ले, मैं तो कई दिनों से नहीं नहाया। तुम नहाओ ना, मैं तो हफ्ते में एक बार नहाता हूँ। हाँ, हफ्ते में एक बार नहाता है तू, तो फिर तेरे बदन से भूख क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं साबुन नहीं लगाता बाबू। हाँ, साबुन नहीं लगाता तू, तो चलो फिर बिना साबुन के ही नहाओ। बाबू बाबू, अरे बाबू तुम नहाओ ना, मैं तुम्हारे कपड़े देखूंगा, वरना कोई चुरा लेगा बाबू। अरे कौन चुराता है जंगल में कपड़े वपड़े, चल। तूने किसके डर से लड़के का भेष बना रखा था? मैं किसी से नहीं डरती, मेरा नाम अनोखी है, अनोखी। देखा ये चक्कू? देख लिया तेरा ये चक्कू और तेरे चक्कू की धार भी, लेकिन मैंने कहा अब कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, भूख के मारे अंतरियों में बल पड़ रहे हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर जंगल में क्या मिलेगा? मिलेगा, तुम ठहरो मैं भी आती हूँ। गाड़ी छूट गई, चलो चलो। आप भी बगैर टिकट है, चलिए चलिए नीचे उतरिए, चलिए। जगन साहब चलती गाड़ी से कैसे उतर सकते हैं? नीचे उतरिए। तो तुम्हारे टिकट के लिए कूद कर जान दे दें क्या? नहीं, जान देने की कोई जरूरत नहीं, टिकट के दाम और जुर्माना देने से भी काम चल जाएगा। बोरी बंदर जाना है ना, एक रुपया चारण निकालिए दो टिकट के। बस एक रुपये चारण है? कोई बात नहीं बाबू, ये लो एक रुपये चारण। बाबू ये तो खाली है। पहले ही जानता था जेब में पैसे नहीं तो गाड़ी में चलने का शौक क्या था? शौक नहीं साहब, मजबूरी है। किस्मत का खेल है बाबू। क्या कहा? नाराज न हो बाबू, तुम रसीद बनाओ, मैं भी पैसे देती हूँ। किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली। आपके पास मोटी खजानी और अपनी जेब खाली, जेब खाली, जेब खाली। निकले बाजार से वो मुस्कुराते, बढ़के हर चीज पे बोली लगाते। हमने गर्दन झुका ली, हाँ झुका ली, लो झुका ली। किस्मत का खेल है जनाबे आली। हमको भी ढूंढती किस्मत हमारे घर पे आई, लेकिन हम सोए थे उड़ान पे ओढ़े रजाई, लेकिन हम सोए थे उड़ान पे ओढ़े रजाई। तब से रूठी हुई है नाज वाली, नाज वाली। किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली।
खाली जेब खाली, किस्मत का खेल है जनाबे आली। चौकीदार ने कल रात मुसीबत हो गई भागते भागते। खैर तुम आ तो गए मैन। यस मैन हम आ गए। सब ठीक है ना? सब ठीक है। अरे हाँ सब ठीक है, पर ये तो बता ये तेरे साथ कौन है, ये नया चंदूर कहाँ से पकड़ लाए? अरे क्या बताऊं, कल रात डबल रोटी चुराते हुए ये बेकरी में मिल गया था, धोखा था, और जब चौकीदार ने पीछा किया तो ये भी मेरे साथ भाग निकला, तब से साथ साथ है। अरे पर तू एक अनजान आदमी क्यों ले आई यहाँ? न मालूम कौन है कौन नहीं, एक तो पहले से पुलिस के अपने पर मेहरबानी है, उस पर तो इतनी मुसीबत ले। अरे तू क्यों दुबली हुई जा रही है, जब अनोखी ने हाँ कह दी तो हम सब की हाँ है। आइए बाबू जी आप भी जम जाइए हमारे सड्डे में, पर शिकायत न रह जाए कि गरीबों का दिल नहीं होता। ठीक है यार, जहाँ इतनी मुसीबत है एक और मुसीबत से क्या फर्क पड़ता है। यो रखिए बाबूजी तशरीफ का टोकरा। आइए आप भी जम जाइए। बड़ी जल्दी बदल गई। तेरे पापा क्या कहता पांडे? हाँ नौकरी बोल, क्या हुक्म है? इसका ख्याल रखना। कोई खास ख्याल तो नहीं रखना है? नहीं रे, कह दिया ही अपना मेहमान है। ओ, जो हुक्म। पल्की डबल रोटी है या खत्म हो गई? अरे कहाँ से बच गई, आज तो पानी का बाजा बाजी। क्या है बच्चे? चावल। अच्छा तो तुम गए होता अपना पेंट पहन के, तभी चप्पल अंदर करता होता कि अपना पेंट किधर गया? बेचारे के पास कुल दो तो पेंट है। दो किधर रे, पौने दो बोलना, तेरे को तो दिखता नहीं ये मेरा पौना पेंट है। हाँ अभी अपन इस फिक्र में था मेहमान साहब कि संडे को चर्च कैसा जाएगा, तभी जब अपन दो दिन से नहाया नहीं। अरे तो वैसे भी कौन रोज रोज नहाता है? तू खैर अभी देती हूँ तेरा पेंट।
थैंक यू बड़ी मेहरबानी पर जरा जल जा अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपन बहुत बिजी आदमी है ये लंगड़ो अभी अपना पेंट मिल गया कि अपन मस्त होके नहंगा धोएंगा अब तो साबुन चुराने को जी चाहता है जी चाहता है अबे कहीं जूते खाने को तो जी नहीं चाहता अबे चुप जरा वो बाल्टी को तो खिसका इधर अबे हम तो ले तो कितना भी घिस घिस के ना कुछ फायदा होने वाला नहीं मेरे को तो घिस घिस के साबुन भी काली हो जाएगी अरे वो तरबूजी एक मुंह और आया है दो रोटी जास्ती बना लेना अच्छा जी मैं भी तो देखूं कौन सा नया मुंह आया है ओहो ये मुखड़ा तो किसी जेंटलमैन का दिखाई दे पर हजामत पड़ी हुई है दिखता है बाबू साहब पे कड़की छाई भी है क्यों बाबू साहब बाबू साहब हजामत की फिक्र मत करना यहाँ अच्छी तरह हो जाएगी कौन सी पैसे वाली कि बिना पैसे वाली अबे लगे जरा अपना बड़ा टॉवेल दे देना बैठे बैठे दिन रात जुए ही मारा कर तो तेरे पाप का कह रहा था अपने सर की जुए निकालती हूँ नाली के गंदे कीड़े हो तुम सब लोग जानवर से भी बदतर क्या कहा बाबू क्या कहा आए भैया खाना गंदा है पांडे जी अरे ओ लंगड़े हाँ भूल जड़ी अरे जरा ताजमहल होटल में टेलीफोन कर दीजो कि बाबू साहब के लिए 3 प्लेट बिरयानी चाहिए जल्दी बहुत अच्छा अन्न को नहीं ठुकराते भैया अन्न को नहीं ठुकराते अन्न का दूसरा नाम है भगवान अन्न बिना भगवान का अच्छा मुझे जाने दो बाबू ऐसे जाने का रास्ता ए बाबू उधर की तरफ जरा इधर जाओ ये लग रहे बाबू रास्ता बता रहे आइए बाबू जी अरे बाबू जी जाओ ना जाओ ना ए बाबू जी पर हाथ मत लगाइए अपनी चमड़ी मैली हो जाएगी बाबू जी की इंसान नहीं है कीड़े हमारी भी दही
तुम्हारे महल से कुछ कम नहीं ये बस्ती हमारी। ना बुरे ना भले हम गरीब हम के भले। तुम क्या जानो हंसी हमारी राजा, तुम क्या जानो हंसी हमारी। बुरे ना भले हम गरीब हम के भले। तुम क्या जानो हंसी हमारी राजा, तुम क्या जानो हंसी हमारी। कहता सर तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, और जब हमने खाना था तो खाना फेंक दिया अपने। देख ये देख यहाँ पड़ा है, देख देख। क्यों बाबू रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है? हम गरीब जरूर हैं, चाहे गवार और गंदे भी हैं, पर दूसरों को हमें कहने का कोई हक नहीं। हम जैसे भी हैं मस्त हैं, अपने बल पर कमाते हैं, अपने हुनर का खाते हैं। ए, खुदा देता है खाते हैं, पर रोज रोज किधर खाते रहे, देता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं भी खाते। हमारे इस अड्डे में हिंदू भी है, मुसलमान भी, पारसी भी है, ईसाई भी, सब अपनी मर्जी से आए हैं और मनमानी करते हैं, किसी पर कोई रोक टोक पाबंदी नहीं। दरवाजा खुला है बाबू, रहना चाहो रहो और जाना चाहो तो जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। कमी ना कहीं का। क्या कहा? सच तो कहा। वापस ले अपने अल्फाज, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। मैं समझता हूँ मैं यहीं रहूंगा। जियो कहाँ तक तरबूजी, सुनो भाई बच्चों बड़े मजे की बात है। क्या? अरे बाबूजी शर्मा गए। यार खन्ना ये बेजिंग ड्यूटी कौन है? तुम्हें नहीं मालूम? वो सेठ मगन भाई मेहता थे ना जिनका कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ, उन्हीं की लड़की है ये कुसुम मेहता। और ये कौन है? वो है रतन लाल कपूर, उन्हीं के जूनियर पार्टनर है। ओ, बड़ा रोमांस चल रहा है दोनों का आजकल। हाँ लेकिन कहना मुश्किल है, ऊंट किस करवट बैठता है। क्यों क्या बात है? एक साहब और भी हैं, सुधाकर जोशी। वो देखो वो जो आ रहे हैं ना वही है सुधाकर जोशी। अच्छा मैनेजर साहब भी घायल दिल रखते हैं? हाँ उनका क्या कसूर, लौंडिया है ही ऐसी हसीन। क्यों सुधाकर क्या बात है? कुछ नहीं, वसीयत नामे पर दस्तखत कराने आया। देख लिया ना सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ ठीक है। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि दस्तखत कराने यहाँ पर चले आए, कागजात आज कोर्ट में पेश करने थे इसलिए आ गए। अच्छा आप तशरीफ रखिए, हम अभी आते हैं। जी मैंने ही बुलाया था।
देखा, दोनों को लटका के रखा। और सेठ मगन भाई के फरार होने का क्या हुआ? उसका नाम वो प्रकाश वर्मा। हाँ, प्रकाश वर्मा का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश वर्मा की फोटो का पोस्टर जो हमने बोरी बंदर में लगाया था फटा हुआ मिला। मझगांव, परेड रोड, बैलट पियर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में पोस्टर उसी तरह फटा हुआ मिला। इसका मतलब है कि मुजरिम इसी इलाके में कहीं छुपा फिरता है। जी इंस्पेक्टर रहमान, इस इलाके के तमाम होटलों और अड्डों पर खास निगरानी रहनी चाहिए। मेरे CID बराबर तैनात है, आप फिक्र न करें, मुजरिम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। और लाला जी, ये अनोखी कौन है, कहां से आई है? कुछ पता नहीं, समझ लो इस मैले की फसल है। यहाँ मुंबई में हर रोज जहाज आते हैं जाते हैं, हर किस्म के मुसाफिर चढ़ते हैं उतरते हैं। न मालूम किस देश का बीज था, न जात का पता, न धर्म का पता, लेकिन तेरा मिजाज है उसका, घड़ी में मुंह घड़ी में आंख, एक तूफान लेकिन दिल बड़ा है अनोखी का। तो अनोखी को भी अपने माँ बाप का पता नहीं? बाप का पता शायद अनोखी की माँ को पता हो, पर अनोखी की को अपनी माँ का पता नहीं। इंस्पेक्टर रहमान कहते हैं 18 साल हुए समुद्र के किनारे अनोखी रेत पर पड़ी मिली हुई थी। अच्छा, तो इसे पाल पोस कर बड़ा किसने किया? भगवान ने। अरे अनोखी कहाँ जा रही है? घर या महल? हाँ महल ही समझ ले। अरे महल से क्या कम है हमारा घर? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारी तरह नहीं कंजूस में किचूस, पैसे पैसे के लिए हाय हाय। हमें कल की फिक्र नहीं, आज है तो खुश, कल नहीं है तो भी खुश। ठीक है ठीक है, पर बिगड़ती काहे को है? आज ये तेरे कपड़े बड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, साफ हो जाएंगे। मैं तो समझाता कहीं मेरे कोई चक्कू मार रही है। अपने पास जरा माचिस है? माचिस तो नहीं है भाई मेरे पास। जरा सिगरेट दे देना रखती। थैंक यू। अरे जी थैंक यू। ये टिकट ला। चाहो बदली होगी, बदली माफ करना। अरे अरे मगर ये तो झूठी हो गई। झूठी हो गई बदमाश के कफील। बच्चू अरे क्या कर रहे हो? छोड़ अंतुली, सवेरे से खाना नहीं खाया, एकदम तो मारने दे। पर आपने बड़ी मुश्किल से सिगरेट किया, आपने तो सेम नहीं है ना, आप बहुत बिजी आदमी। अच्छा चलो। बड़े लोगों के कुत्तों की किस्मत अच्छी है, गाड़ी में घूमते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, खानसावा लोग है ना, इन कुत्तों के लिए 2-2 रुपए का गोश्त लाते हैं। क्या बात करता, अपने कुत्तों से बरस में 2 रुपए का गोश्त नहीं मिलता। तू बरस की बात कर रही है, मैंने बकरे ईद को गोश्त खाया था पिछली बकरे ईद को, और जब से अब तक तो बस देखने को मिलता है खाने को नहीं। अहमद तू गोश्त की बात करता, मैं सच तेरे से बोलती हूँ, अपन ने तो 6 महीने से बकरी नहीं देखती। अरे मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मुझे किसी बड़े आदमी का कुत्ता बना दे, पर गरीब नहीं, ताकि गले में पट्टा वट्टा डाल के साहब मेम साहब के साथ मोटर में बैठ के घूमने जाऊंगा, कभी जू तो कभी मरीन ड्राइव, कभी मरीन ड्राइव तो कभी जू पे। हम तुम्हें अरे जब भगवान तेरे को कुत्ता बनाएगा तो मेरे को भी एक ब्यूटीफुल मेम साहब बना देगा। भीड़ तो बहुत लगी, क्या मालूम? अरे गटा हो गया, हो गया वो छबीलाल छोकरा है ना, जो हीरोइन बना है वही के पाए। गया अब का हुई,
सब पर्दा फाड़ दरी है। अब नचवा ना ही हो का हो भैया, सब पर्दा फाड़ दरी है। मैं एक तरकीब बताऊं काका? हाँ भैया, कुछ फिक्र मत करो। हाँ, ये अनोखी है ना, इसे ही मनाओ और यही तुम्हारा भला करेगी काका, और इसी में सब इज्जत है। हाँ हाँ अनोखी, अब तुम ही हमारी इज्जत रख सकते हो। मैं हीरोइन नहीं बाबा। अरे हाँ कह देना अनोखी, आज बसंत पंचमी का त्योहार है, बेचारों का खेल खराब हो जाएगा तो सब रंग में भंग पड़ जाएगा। हाँ कह दे। अच्छा तो महीने भर मुफ्त में दूध पिलाओगे? मुझे मंजूर है। अरे मुझे अकेली को नहीं काका, मेरे सारे कुंबे को पिलाना होगा। सारे कुंबे को? अरे हाँ कह दो ना काका। अरे हाँ कह दो ना, एक महीने का मतलब 15 ही दिन होते हैं काका, आधा तो पानी मिलाते हो। मंजूर है मेरी मैया, चलो चलो जल्दी करो। आइयो दो मिनट ठहरो, हीरोइन वहां मुंह में पाउडर लगा के आ जाते हैं। अपन तो बहुत जेंटलमैन आदमी है, अपन बहुत बिजी है, अपन ऐसा नहीं करेंगे। क्या बात करता? अरे काका ये पैकेट तो तुम्हारा नहीं? मानता हूँ गुरु। रूपमती, अरे ओ रूपमती, क्या है? अरे बाहर तो आ, देख तेरी चिट्ठी आई है। हाँ हाँ ये देख। बालम आएगा आएगा, बालम
हमने चांस गवाया जजमेंट तुमने चांस गवाया बड़ा आया इंग्लिश बोलने वाला जान नहीं देता ए, अपन के पास झगड़ा करने का टाइम नहीं है अपन बहुत बिजी आदमी है निकाल आगे पैसे आधे पैसे का आएंगे पाकिट तो हमने मारा अच्छा मैं पाकिट तू मारा और अपन कैसे वो मारा नहीं रे निकाल आगे पैसे हाथ तो छोड़ देता हूँ ये देखिए ग्यारह आने के पैसे बस ग्यारह आने के पैसे जेंटलमैन का पाकिट था और कितने निकलते ये ले साढ़े पाँच आने तेरे साढ़े पाँच आने मेरे इसके वास्ते अपन बोला कि किसी बड़े आदमी को देख के काम करना खाली पीला अपना टाइम खराब किया कभी दाल रोटी कभी जूते खाए क्या मूड खराब कर देती है क्या बात है फूलझड़ी आज तो बहुत चहक रही है क्या कुछ ज्यादा कमाई कर ली है तभी तो कहती हूँ कि मेरे हिस्से की दो रोटी मत बनाना आज तो मैं चौपाटी से पेट भर की चाट खा के आई हूँ तरबूजी हाँ दीदी क्या रोज की खिटखिट मिट जाएगी किसी चाट वाले से शादी कर ले मैंने भी एक हलवाई से शादी की थी तभी तो तू सूख सूख के खाती हुए जा रही है ले सही बड़े नहीं हो खा ले बड़े बड़े बटले क्या बात है कहीं मंगनी मंगनी हो गई क्या मंगनी क्या रे मंगनी आने सगाई इतना नहीं मालूम अच्छा सगाई बोले रिंग रे अच्छा अरे अपने को भी गए संडे को एक चांस मिलता होता अच्छा वो बाजू वाली के आया नहीं रे मिस डिसोजा उसका रिंग अपने हाथ में आता होता पर अपन बहुत बिजी आदमी ना रे अपने पास टाइम किधर रे सचन तो नहीं तो क्या बंडल फेंकता रे निकाले अनोखी नहीं आई बाबू अनोखी नहीं आए नहीं आई अरे नहीं आई तो आज आएगी फिकर की क्या बात है नहीं रे मत फिकर की बात नहीं पर अनोखी के बिना कुछ सुना सुना सा लगता है मजा नहीं आता क्यों लग रहे ये तूने सोला आने कही अरे ये अनोखी का दम है जो सबको निभा रही है हाँ यार यहाँ तो छप्पन घाट के लोग रहते हैं अरे रोज की कटाकटी चलती मगर ये भाईचारा तो अनोखी की वजह से है भाईचारा लेकिन ये तुम्हारा भाईचारा किस काम का क्यों भाईचारे से रहना बुरा है क्या नहीं लेकिन गंदगी चोरी लूट खसोट की बुनियाद पर जिंदगी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते यहाँ सब चोर किराकट लुच्चे लफंगों का डर खबरदार बाबू जो हमारे अड्डे के बारे में कुछ कहा बात बढ़ जाएगी अभी तुम हम लोगों को नहीं जानते हो मुझे इसकी फिक्र नहीं लेकिन तुम्हारा रहन सहन तौर तरीका बात जबान सब कुछ गंदी है ये आदमियों की नहीं जानवरों की जिंदगी है बल्कि जानवरों से भी कई गुजरी वक्त ओ तो हम लोग चोर हैं बाबू लुच्चे लफंगे हैं जानवर हैं बल्कि जानवर से भी बदतर है ये जगत तुम जैसे भले आदमियों के रहने लायक नहीं क्यों ऐसे भले भले आदमी हो तो क्यों छिपे छिपे रहते हो ऐसी गंदी जगह में उजाले में क्यों नहीं आते क्यों नहीं दिन के उजाले में सीना तान के भले आदमी की तरह चलते हो
कुछ मेहनत मजदूरी करो, कमा के दिखाओ, फिर बात करो बाबू। दूसरों का भला बनने की सीख देते हो। भूल गए उस रात बेकरी में क्यों घुसे थे? रोटी की चोरी करने के लिए ना? मैंने गलती की थी, भूख के मारे में पागल हो गया था। तो फिर क्यों नहीं गरीब की मजबूरियों को समझते बाबू? अपना काला नहीं दिखता उसमें? ए बाबू, ये मेरा ठिकाना है, यहाँ अपनी हुकूमत मत चला, मैं कह देती हूँ। ए लड़की, बंद कर जबान, लेकिन समझने की कोशिश कर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी एक को तो भला बुरा नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। वो जो तुम बोलता, तुम कह को खाली पीली किसी को भला बुरा बोलता है? मैं ऐसे बुरा नहीं कहता, तुम्हारे कारनामों को बुरा कह रहा हूँ। रोटी बेशक कमाओ, लेकिन ईमानदारी से, ना कि लूट खसोट और चोरी करके, छीन झपट करके, किसी का दिल न दुखाओ। बस बस बस, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें हमारी बात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ अनोखी की चलती है, समझे? अकेली मत जाइबो राधे जमुना के। ये बल्लू फिर आ गया, मुसीबत। जमुना जमुना कौन? मेरी बुलबुल। तू यहाँ अकेले बैठे और सब क्या उड़ गए? फिर पिक रहा है। पिक रहा? कौन पिक रहा है? उधर तो अरे बात की, मैं होश में नहीं हूँ, मैं तो पूरे होश में हूँ। सो सके दूर रहूँ? क्यों दूर रहूँ, काय को दूर रहूँ? ये देख, मैं तेरे लिए रिश्वत लाऊँ घड़ी। बोल घड़ी। क्यों बेटा, जाना नहीं अपनी अम्मा को? अरे बल्लू होशना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मालूम होता तेरे शामा था ये बच्चों, हाँ? ओ? अब अगर जब मुझे हाथ लगाए वरना मैं तेरे अंदर पंजे ढीले करूँगी। कमीने, हम जड़ी दो चार हुए क्या? बताओ। अनोखी, अनोखी, तुझे मालूम नहीं है मैं तेरे को क्या करता हूँ? तू जब इतनी सी थी जब से, हाँ? इतना ये ले घड़ी पाल ले घड़ी। मैं बोला तू तो रे, मैं कहती हूँ बल्लू नहीं मानेगा। अरे बात सुनो अनोखी, बात सुनो। बल्लू ये बल्लू क्या मालूम होता है? छोड़ देते अनोखी जी, ये फोन है, मैं कह रहा हूँ छोड़ देते। अरे भाई अनोखी जी बोलो ना, ये कौन? ए मिस्टर रोकी जी, इन्हें संजा लो, नहीं खून का धुआं दारू पी लो। खून कर देगा? हाँ। किसका खून करेगा? Thank you.
नशा उतर जाएगा। अनोखी बाबू के सर से खून बह रहा है। क्या हुआ? देखो। छोड़ दो मुझे, बात की हद हो गई आज। मैं समझता था तुम लोग इतने बुरे नहीं, मगर मेरा गलती की। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम जैसा नहीं बनना चाहता। मैं जा रहा हूं, सुन लिया? मैं जा रहा हूं। आइंदा कभी मुंह नहीं देखूंगा तुम लोगों का, कभी नहीं। देना बेटा भागने दे। अरे जाता है तो जाने दो। अच्छा हुआ दो रोटी कम हुई। कम काहे को, काम में आएगा। मांगता तो अपन खाएगा। चुप रहो कमीना, वो तुम लोगों से लाख दर्जा अच्छा था। हमारी तरह जाहिल और अवारा नहीं। अरे लंगा पांडे, बोलो पांडे, बोलो क्या हुकुम है? जा देखो, देखो जहाँ भी हो उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ। अभी ढूंढ के लाता हूँ। जब भी आता है कुछ ना कुछ बनवा करके जाता। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना जी। अनोखी मुझे माफ कर दे। बकरी शराब, वाह तेरे दो घूंट काफी है इंसान को हैवान बनाने के लिए। लानत लानत। तुम तो मुझे बच्चा समझते हो, यहाँ तक छोड़ने चले आए। क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी जो है। अच्छा तो कल सुबह फोन करोगी ना? मगर तुम बहुत देर से सो के उठते हो। तमाम रात तुम्हारे सपने जो देखा करता हूँ। पागल हो तुम तो। तुमने बना दिया है। सर गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो कुसुम। हेलो, बहुत देर से इंतजार कर रही। दो घंटे हो गए, कहाँ गई थी? पिक्चर। अकेले? अच्छा ये तो बताओ, पिताजी के बाद कारोबार कैसा चल रहा? मैं तुमसे ऊपरी नहीं असली बात जानना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो सुधाकर, मेरा तुम पे पूरा भरोसा है। ये तो बताओ रतन, बिजनेस कैसे मैनेज करते? मेरे हिसाब में तो कुछ ठीक नहीं करते। वो बात नहीं है उनमें जो सेठ जी ने थी। रतन का भी बिजनेस का तजुर्बा नहीं, तुमने तो पिताजी के साथ बरसों काम किया है। मैं चाहती हूँ तुम रतन की मदद करो। सो तो मैं कर रहा हूँ, शाम हो जाती है काम करते करते। जब तुमसे मिलने को जी चाहता है तो रात को चला आता हूँ, और उधर तुम कि कभी टेलीफोन ही नहीं करते। अरे आज सुबह मैंने तुम्हें फोन किया था, पर तुम घर पे नहीं थे। अच्छा मैं चलूं, मुझे नींद आ रही है। ए बाजू, छतरी वाले, बाजी हो जाए। क्या नींद में साइकिल चला रहा है क्या? अरे अरे लंगड़े, मैं तो साइकिल पर जा रहा था, साइकिल मेरे पे कैसी जा रही है? हमेशा ही ख्वाब देखता रहता। अच्छा अच्छा ये तो बता, बाबूजी को ढूंढा? ए देख लंगड़े, अपन अनोखी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। हाँ अपन सब जगह ढूंढा, दरिया और कुआं बाकी रह गया है। हाँ पूछ ले अहमद से। यार बहुत
अपन समझता था अपन एक बहुत बिजी है पर अपन से जाती है खटमल और मच्छर बिजी है मिनट मिनट को काटता दम लेने नहीं देता अपन भी यार बहुत ढूंढा नहीं मिली अबे जब मुझे दो टांग वाले को नहीं मिला तो तुझे क्या मिलेगा बे लंगड़े सो जा अहमद जरा यार पैर दबान तेरा क्या बिगड़ेगा अच्छा जी बड़े खानदानी मालूम होते हो अबे तू अहमद का बात मत सुन जरा अपन को गर्मी हो रहा है जरा पंखा कर दे फिर अपन भी तेरा कम्बर उम्बर हाथ पैर सब दबा देगा मंगता तो तेरा गला भी दबा देगा इसमें क्या वांडा है फ्रेंड का ड्यूटी है मदद करना हाँ रोटी बना रही है क्या तेरी अम्मा आने वाली है नहीं शायद तेरा बाप आने वाला हो सो जा खबरदार जो मेरे बाप को कुछ कहा राजपूत था वो हाँ समझा कचुमा निकाल दूंगी अरे सो जा ना लौकी सो रही है जान को खतरे में डालकर इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि आज थोड़ा सच्चा हाल तुम्हें सुनाना क्या सच्चा हाल सुनाने आया हूँ कि मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया अगर तुमने मेरे पिता का खून नहीं किया तो फिर किसने किया कुसुम बता मैं तुम्हारे पिताजी का खून क्यों करने लगा उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था तो फिर पुलिस से क्यों भागे फिर रहे हैं मैं पूछती हूँ पुलिस से क्यों भागे फिर रहे हो कुसुम यही तो मैंने गलती की है कुछ समझ में नहीं आता कि गुत्थी को सुलझाओ कैसे कुसुम कुसुम अगर तुम मेरी जरा भी मदद करो तो शायद कोई रास्ता निकल आए शायद मैं बच जाऊं कुसुम यकीन जानो मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं कुसुम बिल्कुल बेगुनाह मुझे बचा लो कुसुम मुझे बचा लो कुसुम अरे देखो ये तुम्हें चोट कैसे लगे खून बह रहा है तुम कितने परेशान हो थके हुए मालूम होते हो तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए ओवल्टीन चाय या कॉफी कुछ लेके आती हूं कुसुम मुझे कुछ नहीं चाहिए थोड़ी देर बैठ कर मेरी बातें सुन लो हाँ हाँ प्रकाश सब सुन लूंगी तुम थोड़ी देर बैठे तो गलियों में बंबई की अंधेरी गलियों में आप कितनी चीनी मिलाओ मैंने कहा कितनी चीनी मिलाओ चीनी के बजाय तो तुमने पुलिस मिला दी है क्या मतलब मतलब ये अंदर जाकर तुमने पुलिस को टेलीफोन किया था ना नहीं तो मैंने तो नहीं किया नहीं किया था तो मेरी आंखें धोखा खा रही हैं वो नीचे देखो पुलिस मैं तुमसे सलाह मांगने आया था मैं तुमसे मदद लेने आया था और तुमने मुझे इसका ये बदला दिया अब मैं कहां आऊंगा शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी के लिए Mm-hmm.
तुम आ गए बाबू। मैं तो समझी थी तुम कभी नहीं आओगे। मैंने भी यही सोचा था अनोखी कि अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। अच्छा किया जो आ गए, ना आता तो जाता कहां। दुनिया में मेरे लिए और कहीं ठिकाना नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं है अनोखी। ऐसा ना कहो, है क्यों नहीं पापा? मैं सच कह रहा हूं अनोखी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। बाबू तुम अंधे हो। बाबू। हाँ अनोखी। तुम चुप चुप क्यों रहते हो? नहीं तो क्या सोच रहे हो? सोच रहा था उस दिन की बात, जब मैं पहली बार यहाँ आया था और मेरे सीने में चुभने के लिए तूने चाकू निकाला था। अब उसी हाथ से मेरे जख्म पर पट्टी बांध रही है। तुम न लौटते तो मालूम मैं क्या करती? क्या करती? चक्कू से अपने गला काट लेती। नहीं अनोखी, ये खूबसूरत गला काटने के लिए नहीं बना है। तेरे इस खूबसूरत गले में इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज है कि जब तू गाती है तो क्या होता है? दिल में कुछ होता है। अनोखी, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तू देगी? मांग कर क्यों नहीं देखती? तू देगी? तुम्हें शक है? अगर मैं तुम्हारी जान मांगू तो? दे दूं। वचन देती? तो आज से चोरी करना, झूठ बोलना, भीख मांगना सब छोड़ दे अनोखी। छोड़ दिया? अनोखी तू कितनी अच्छी है अनोखी, बहुत अच्छी। तुम सब लोग अच्छे हो, सिर्फ तुम्हारी आदतें बुरी हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ दो। मैं चाहता हूं तुम सब लोग लाला जी की तरह मेहनत करो, काम करो, ईमानदारी से कमाओ। तुम सब में कुछ हुनर है, खूबियां हैं, इनसे काम लो। ठीक है, तो कल से मैं लोगों को अपना नाच दिखा के, गाना सुना के पैसे कमाऊंगी। ठीक है ना? ठीक है। Oh,
भी है क्या तुम मुझे बताओ, झुकी झुकी अखियों के पर्दे उठाओ। कह दो जी कह दो छुपाओ न प्यार, कभी कभी आती है झूमती बहार ऐसी झूमती बहार। कैसे कहूँ बाल माँ शर्म की है बात, कह देगा चांद सबसे सुन लेगी रात दुनिया सुन लेगी छेड़े किसके तराने झोंके हवा के क्यों है दीवाने। मदहोश है सारी फिजाएं, प्यार भरी है इनकी अदाएं, ये नजरों के पड़े हैं। कह दो जी कह दो छुपाओ न प्यार, कभी कभी आती है झूमती बहार ऐसी झूमती बहार। कैसे तू बाल माँ शर्म की है बात, कह देगा चांद सबसे सुन लेगी रात दुनिया सुन लेगी रात। देखो ना कम्बस में इधर ही छिड़का फेंक देता है। ए मिस्टर, ये पाकिट तुम्हारा है? थैंक यू, मेरा पाकिट। नो मेंशन, अपन का तो ये ड्यूटी है। थैंक यू, कोई बात नहीं। मिस्टर, उसमें कुछ पैसा है? हाँ भाई, 10-15 रुपया। 10-15 रुपया तो उसमें से कुछ गरीब आदमी खाना नहीं खाया। बोला अच्छा आदमी जंटर मैंने अभी भाई चार आना तुम भी चार आना सिर्फ चार आना ईमानदारी का कीमत क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा आदमी। थैंक यू। लेकिन इसके ये मानी नहीं कि वो नीच, जिस तरह अमीरी के मानी शराफत के नहीं। एक अमीर आदमी भी नीच और कमीना हो सकता है और एक गरीब गरीब आदमी नेक और अच्छा। ठीक कहते हो बाबू, बात तो ऐसी ही है। और वो नहीं दी चाहिए बाबू, बाबू। क्या हाल है तरबूजी? कुछ नहीं, जरा ब्रेक लगाना भूल गई थी। तरबूजी जरा संभल के बेटा, बहुत आ जाएंगी। हर उस धंधे को, हर उस काम को जिससे जिंदगी की कोई जरूरत पूरी हो सकती है, बड़ा समझना चाहिए और उसे मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। बेशक। अरे वाह बल्लू, अरे तुमने तो कमाल कर दिया जी। ओह बाबूजी, जेल में सीखा? जेल में? हाँ, वो पिछली दफा पुलिस वालों ने अपने को जेल में ठूंस दिया था ना। माँ इस चीनी निकल आया मुसीबत का मारा, वो ठहरा अपनी खोली में। पर आदमी बड़े कमाल का था, क्या कागज के फूल बनाता था कि बस सीखा करो, उसी से ये हुनर सीखा। चलो अच्छा हुआ, देखा अब काम में आ रहा है ये हुनर। हाँ हाँ तो रहा। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने नया धंधा निकाला है। इनको नाच गाने के बहाने ये लोग लोगों के घर झांकेंगे और रात को चोरियां करेंगे। मैं कहता हूँ इन्हें हवालाते बंद कर दीजिए। आपका मोहल्ला सूना हो जाएगा लाला जी, सारी रौनक खत्म हो जाएगी। दरअसल लाला जी, ये लोग इतने बुरे नहीं जितना कि आप इन्हें समझते। बेचारे भटके हुए ये भी अच्छे शहरी बन सकते अगर इन्हें कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला हो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ठीक ही तो कह रहा हूँ लाला जी, मेरा बस चले तो आप जैसे जो दिन रात काला बाजार करते हैं, अपनी देश और अपनी सरकार को धोखा देते हैं, सबसे पहले हवालात में बंद करो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं चला। अनोखी जी, इंस्पेक्टर साहब, जरा सुनो तो। बाद में सुनूंगी, पहले मेरी खबर निकाली। चवन्नी, काहे की चवन्नी? काहे की चवन्नी? वाह, आपने जो मेरा नाच गाना देखा। अच्छा, तो टिकट लगा रखा है तुमने। अच्छा भाई,
ये लो अपनी चवन्नी। अनोखी, कहीं बल्लू को देखा है? बल्लू नहीं, तो बल्लू तो आजकल हमारे साथ नहीं रहता इंस्पेक्टर। नहीं रहता? हमने वो पुराना धंधा छोड़ दिया। अरे वाह रघु चाचा, आज तो जलेबी बहुत अच्छी बनी है। जवाब में रघु चाचा जलेबी मुंह में दांत ही गल गई। मालूम होता है घी की बनाई है। अरे घी की नहीं तो क्या तेल की है? नहीं होता है तो आधा से और बांधो। अनोखी विजय, क्या करोगी इतना सारी जलेबी का? अरे मुझ में थोड़ी ले रही हूँ, बांधो बांधो, आज मैं पैसे देकर ले रही हूँ। लो 2 रुपए। जल्दी बांधो। अच्छा गिन के लेना, बाद में बोलना नहीं जो कम पी दिया करके। दुबले हो गए। अरे अहमद देखो देखो फोटो। चाचा चाचा जरा पढ़ना इसमें क्या लिखा है। देखो रुपया 5,000 इनाम। क्यों तुमने कहीं उसको देखा है क्या? हमने नहीं देखा। जल्दी बांधो। शायद कहीं दिन जाए, कहीं दिन जाए। 5,000 रुपए कुछ कम बात है? तुम्हारी दुकान खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। मोदी गगरे उठाई न जाए, मोदी पत्नी का मरबल खाए खाए। अरे जवाब नहीं तरबूजी तेरा। कम बखत नजर लगाता है। मैं तो तारीफ। आज सवेरे सवेरे न जाने किसका मुंह देख रुके। जलेबी खाने को मिली। अनोखी मेरा मुंह देखा था। ये कहीं तरबूजी ने ये मुंह और जलेबी? तो कम से कम एक जलेबी खिला के तो दिखाओ। अरे दे 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 दे। क्या बात है अनोखी, आज बड़ी जलेबियाँ बांटी जा रही है। बाबू आज मैंने 7 रुपए कमाए जाकर। अरे 7 रुपए कहा, 7 रुपए चलाने वाला। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तुम बाबू वो होटल कुछ बुरा नहीं, उधर बहुत हाई क्लास लोग आता है। सड़क पर नाची है, होटल में नाचू, क्या फर्क है? अंदनी, 2 रुपए वापस कर दे। ये लो, तुम भी कमाल करता ना। अभी अपन उधर बातचीत किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 10 रुपए एडवांस भी ले आया। अभी अपन उसको कैसा वापस दे देंगे? अगर अपन उधर नहीं जाएगा तो आप उनको पुलिस में दे देंगे। अपन ने उधर एड्रेस भी लिखा है अपना। धप्पे रहे। अरे गजे, तूने अपना पता भी बता दिया। तुम तो कमाल करता ना अनोखी। अरे पता नहीं बताएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगा? समझ लो कि आप उधर नहीं गया तो आप उनको किधर ढूंढेगा? हम तो नहीं इधर ढूंढेगा। ढूंढेगा ना? नहीं। देख बल्लू, इस गधे ने यहाँ का पता बता दिया, अब तू संभल कर रहना। हाँ तू बाहर निकला कि तेरी शामत आई। आज इंस्पेक्टर रहमान पूछ रहे थे तुझे। मुझे पूछ रहे थे? क्यों? कह रहे थे जहाज पर से माल चोरी गया है, पुलिस का तेरा पर शक है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को चकमा दे दिया कि आजकल तू यहाँ नहीं रहता, कहीं चला गया है। देख बच्चू, अभी संभल के रहना ना तो हम लोग सब मुसीबत में आएंगे। हाँ निकाल के फेंक क्यों नहीं देता चोरी का माल समंदर में? अरे माल होगा तब ना इधर। वो तो मैंने बेच दिया बाबू साहब। बेच दिया? हाँ बाबू साहब, एक सेठ को, आज ही 200 रुपए आने वाले। अरे जियो बल्लू उस्ताद, तुमने तो कमाल कर दिया प्यारे। अपना कमीशन ना जाए। शर्म नहीं आती चोरी को दाद देते हुए? लाख कोशिश करता हूँ तुमको समझाने की, सुधारने की, इंसान बनाने की, मगर तुम पर कोई असर नहीं होता मेरी बातों का। कई बार तुमसे कहा है चोरी न करो, झूठ न बोलो, भीख न मांगो, अच्छे बनो, मगर जिस तरह गंदी नाली के कीड़े बार बार गंदी नाली में ही जाकर गिरते हैं, इसी तरह तुम सब हो बदमाश, चोर, हैवान। खामोश, बंद करो अपनी बकवास।
हम हैवान हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, और तुम क्या हो? मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर नहीं, चोर से भी बदतर हो। तुम खूनी हो। ये झूठ, ये झूठ। मैंने खून नहीं किया। तुमने सेठ मगन भाई का खून किया है और पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हो। ये देखो सब कुछ इसमें लिखा है, सेठ मगन भाई के खूनी प्रकाश वर्मा को पुलिस के हाथ पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया इनाम। 5,000? मेरी सूरत क्या देख रहे हो? जाओ खबर कर दो पुलिस में, 5,000 रुपए चित हो जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है, आप उन सब लोगों का 1 साल का राशन आ जाएगा और इसके 10-15 साल के मुफ्त की रोटी क्या आएंगे? हाँ, हम सब लोगों का भला हो जाएगा। तो जाओ पुलिस को खबर कर दो। हम लोग इतने कमीने नहीं है बाबू कि रुपए के लालच से एक आदमी को कुर्बान कर दे। पेट के लिए झूठ बोल सकते हैं, दो आने पैसे के लिए ईमान खो सकते हैं, बस एक बार जिसे हमने अपना कह दिया उसे बचाने के लिए हम अपनी जान से खेल सकते हैं। पर अब तो बता दो बाबू, तुमने सेठ मदन भाई का खून क्यों किया? ये तो पूछो नौकर कि मैंने खून किया भी है या नहीं। तुमने खून नहीं किया? नहीं। फिर इसमें जो लिखा है? गलत लिखा है। सुनो, बात यूं हुई, बीए पास किए मुझे 1 साल हो गया था पर मुझे कहीं नौकरी नहीं, मैं बिल्कुल बेकार था। मैं सेठ मगन भाई मैं था और उनकी लड़की कुसुम को जानता था। कुसुम मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे बेकार देख उसने अपने बाप से कहकर मुझे नौकरी दिलवाना चाहिए। राम सिंह जी, बेबी जी, सुनो तो जी। देखो चाय का इंतजाम करो, सेठ साहब अभी आती होंगे। जी मैं अभी ला। क्या बात है, पिताजी अभी तक नहीं आए? 5 बजे आने को कह गए थे। मैं जरा फोन करके देखूं। लाल ये मुझे बिल्कुल पसंद है, मैं हरगिज इजाजत नहीं दे सकता इस तरह बार बार रकम उठाने की। लेकिन आप इजाजत क्यों नहीं देंगे? मैं भी तो इस कंपनी का हिस्सेदार हूँ और ये पैसा मैं अपने हिस्से में से मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये फजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, कोई बात नहीं बेटा, ये रतनलाल है। अच्छा तो वाह, हाँ हाँ उन्हें बैठाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। हाँ तो जल्दी आइए ना। अच्छा वो अभी 5 मिनट में आते हैं। मेहता जी आपने मुझे बुलाया? हाँ सुधाकर जरा इधर आइए। ये लीजिए इनकम टैक्स का चेक, मैंने साइन कर दिया है, कल ही रिजर्व बैंक भिजवा दीजिएगा, आज भी लोगों का रिमाइंडर आया है। बस अच्छा आपके हाथ में ये क्या है? ये अपनी मिल के कपड़े का सैंपल है, अभी अभी झुंझुनवाला एंड कंपनी से 2,00,000 का ऑर्डर बुक करके आया। अच्छा शाबाश, थैंक यू सर। लो। पिताजी भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत दिनों बाद आए, कहो कैसे हो? मजे में जी। इनसे मिलो, आप है मेरे जूनियर पार्टनर मिस्टर रतनलाल कपूर और आप मिस्टर प्रकाश वर्मा ने जी। प्रकाश वर्मा, नमस्ते, सो प्लीज टू मीट यू। प्रकाश और मैं साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। बैठिए बैठिए। मिस्टर रतनलाल कपूर अभी आज 2 महीने हुए बिलाज से लौटे हैं। हाँ बेटा चाय तो तैयार है ना? जी कर रही हूँ पिताजी। ला मुझे एक कप दे दे, अभी 6 बजे मीटिंग में जाना है। आज सुबह कुसुम ने मुझे तुम्हारे बारे में कहा था जी। हाँ तो तुम्हें किस तरह का जॉब चाहिए? जी क्लर्क की नौकरी छोड़कर और कोई भी जॉब मिल जाए। देखिए साहब, हमारी फर्म में बस 2 ही नौकरियां हैं, एक मैनेजर की और दूसरी क्लर्क की। क्लर्क आप बनना नहीं चाहते, बाकी रह गई मैनेजर की, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे मैनेजर को रिटायर होने में कुछ वक्त बाकी है, यही 10-15 साल। खैर तुम्हारी कुछ सोचेंगे कुछ करेंगे, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम्हें काम करना, सवेरे दफ्तर में आ जाना। जी कितने बजे? 11 बजे आ जाना, लेकिन ठीक 11 बजे। जी बहुत अच्छा। अच्छा
तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, कैरी ऑन। अच्छा बेटा, तो मैं जाता हूँ। पिताजी, आप डिनर के लिए तो वापस आएंगे? हाँ ठीक, 8 बजे आ जाओ। मैंने कहा चलना नहीं कुसुम, वक्त हो गया, तो जल्दी से कपड़े पहन लो। क्या मतलब? कपड़े तो मैं पहने हूँ रतन, क्यों पता? मेरा मतलब है कपड़े बदलो शो के लिए। शो? अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्यों, तुम भी चलो ना हमारे साथ शो पे। कौन सा शो देखने जा रहे हैं आप लोग? डॉग शो। डॉग शो? ये क्या हुआ? अरे कुत्तों की नुमाइश, चलो ना, बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते आए हैं। हाँ हाँ चलिए ना, अभी आपको कुत्ते दिखाएं। जी आप जो शरीक हो रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा क्या काम? अरे चलो ना, मिस्टर रतनलाल कपूर ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही है कुत्तों की नुमाइश के जज। ओ होना भी चाहिए, आखिर कुछ देख समझ कर ही लोगों ने जज बनाया होगा कपूर साहब को। तो कपूर साहब पैसा देंगे कि सबसे बढ़िया कुत्ता कौन है? काश कभी इंसानों की नुमाइश होती और किसी कुत्ते को यह फैसला देने का मौका दिया जाता कि सबसे बढ़िया इंसान कौन है। हे प्रकाश। अच्छा कुसुम, मैं जाता हूँ। बाय बाय। बाय प्रकाश। बाय। मेहता सर हैं? Are you प्रकाश वर्मा? Yes. You're late by 5 minutes. जी मैं तो ठीक 11 बजे ही आ गया था, मगर चौथे मंजिल पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। Is he in? Yes, go right in. Thank you. पागल दीवाना तो नहीं है? प्रकाश तुमने सेठ जी का खून कर दिया, किस लिए? नहीं, मैंने सेठ जी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ मैंने सेठ जी का खून नहीं किया। कौन है ये? एक उम्मीदवार है, नौकरी के लिए आया था, नौकरी नहीं मिली होगी तो सेठ जी का खून कर दिया, बदमाश कहीं का है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पकड़ लो, भागे ना पाए, पकड़ लो, जारी इस मामले पर कोई खत खतूत, कोई झगड़ा फसाद या कोई तार चिट्ठी या कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिससे कि सेठ जी को शॉक लग गया हो? ये कोई भी नहीं, रोज की तरह पिताजी आज सुबह पुलिस ऑफिस गए। आप उस वक्त अपने दफ्तर ही में थे मिस्टर सुधाकर जिस वक्त पिस्तौल की आवाज आई? मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, ये सब कुछ मेरे आने से पहले हुआ है। और आप मिस्टर रतनलाल? मैं अपने ही कमरे में था इंस्पेक्टर साहब, गोली की आवाज सुनते ही फौरन वहां पहुंचा। तो सेठ जी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका खून किया गया? इसमें कोई शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, और देखिए ना कमबख्त गोली मारकर भाग गया।
खून करने के बाद वो खिड़की कूद कर भाग गया। भगवान ये तूने क्या किया बता। और इस तरह मां से बिना मिले ही मैं फिर भाग निकला। भूख और प्यास से मैं बेजार हो रहा था जब उस रात बेकरी में तुझसे मुलाकात हुई। यह है सारा किस्सा। लाला जी सेठ मगन भाई तो खुदकुशी करके मर गए लेकिन पुलिस मुझे मुजरिम और खूनी समझकर अब तक मेरा पीछा कर रही है। नहीं मैं नहीं समझता कि मगन भाई ने खुदकुशी की। तो आप क्या समझते हैं कि खून मैंने किया है? नहीं तो मगर किसी ने तो किया है। तुम कहते हो कि मगन भाई का हिस्सेदार रतनलाल है। जी हाँ। और मगन भाई के मरने के बाद रतनलाल क्या करता था? कारोबार तो सुधाकर संभालता है। सुधाकर कौन? कारोबार तो सुधाकर संभालता है। सुधाकर कौन? सेठ मगन भाई का मैनेजर। रतनलाल की उम्र क्या होगी? कोई 30 के करीब। जवान है। और तुम कहते हो कि कुसुम से मोहब्बत करता है। मगर मोहब्बत तो सुधाकर भी करता है कुसुम से। कौन मैनेजर? हाँ वो भी जवान है कोई 35 के करीब होगा। बस रतनलाल और सुधाकर इन दोनों में से एक ने जरूर खून किया है मगन भाई का। और ये खून कुसुम से शादी करके मगन भाई की दौलत हड़प करने के लिए किया गया है। अपुन भी ऐसा समझता। दुनिया में सब झगड़ा छोकरी लोग के चॉइस से होता है। क्यों बाबू सुधाकर वो तो नहीं जिसकी पतली पतली मूछे हैं मोटा जैसा कंजी आंखें वाला। हाँ हाँ अरे इसको तो अपन ने देखे ला है। कहाँ देखा? अरे जिधर अपन ने अनोखी का कंट्रैक्ट किया ना उधर दर रोज होटल में छोकी लोग के साथ आता है। तो अपन आज भी दिखा देंगे। हाँ। तू सुधाकर से मेरी पहचान करा दे बाकी पता मैं चला लूंगी। हाँ ठीक है तू सुधाकर को देख और रतनलाल के दिल का सारा भेद मैं निकालता हूँ। अच्छा देख ले बाबू साहब को बचाना होगा। तू फिक्र मत कर रहा कि बाबू साहब के लिए जाना है। हमारा टेबल रिजर्व है ना? जी हाँ। थ्री सीट्स जाइए। हेलो सुधाकर। हेलो आइए साहब मेरा आपका केबल। क्यों मैनेजर साहब अभी तो अपन अंदर जा सकता है ना? अभी अपन बिल्कुल हाई क्लास जेंटलमैन बन के आया है। कहाँ से मार के लाया है ड्रेस? क्या मैन तुम बात करता है बम्बई में क्या नहीं मिलता है? ये ड्रेस अपन किराए से लेकर आया है सिर्फ 2 घंटे के लिए क्योंकि अपुन का उम्मीद हसीना है ना जिसका अपुन ने इधर कॉन्ट्रैक्ट किया जो तुम्हारे इधर डांस करता है उसके लिए अपुन को भी बहुत हाई क्लास लेना मांगता है ना। मैं तो तुम अपुन को अंदर जाने नहीं देंगे तो अभी अपुन अंदर जा सकता है ना? जाइए मिस्टर एंथनी जाइए। थैंक यू वेरी मच। तुम अपुन को मिस्टर बोला। थैंक यू वेरी मच। तो पिकनिक का प्रोग्राम पक्का है ना? मेरी तरफ से तो पक्का। और तुम्हारी तरफ से? मेरी तरफ से पक्का। गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करना है। प्राइवेट? जी बहुत ही प्राइवेट है जरा आइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी मैं अभी आया। माफ कीजिए एक्सक्यूज मी। क्या बात है? साहब आपको मालूम है आज के प्रोग्राम में कौन लड़की डांस कर रहा है? सुना है हसीना नाम की कोई लड़की। अरे हसीना को देखोगे तो तुमको पता जाएगा अभी अभी नया बगदाद से आया है 1 महीना हुआ। कलकत्ते में प्रोग्राम दिया तो लोग बेहोश हो गए और दिल्ली में प्रोग्राम दिया तो लोगों के दिल हिल गए। इंसान को पागल और पागल को इंसान बना देती है। मांगता तो अपन तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिला सकता है। आप उनके मैनेजर अपन ने उसका इधर कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है। देखो अभी डांस शुरू होने वाला है सही डांस खत्म हो जाए तो अपन को तुम स्टेज के पास मिल लेना अपन तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। बहुत अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर एंथनी। So pleased to meet you. Very glad to see you.
बोली मैं तुम्हारी गुलबदन बिखरे सपने खोए नगमे लाए तुम्हारी गुलबदन चलो ले चलो मैं तारों में रंग रंगीले गुलजारों में चलो ले चलो मैं तारों में रंग रंगीले गुलजारों में नीलम के उस देश में सबके साथ प्यार की बात होती है उस देश में चलो ले चलो मैं दारू में रंग रंगीले गुलजारों में जेंटलमैन मिस्टर सुधाकर आपसे मुलाकात करना मांगता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तबीयत खुश कर दी आपने। आइए जरा हमारे टेबल पे चल के बैठिए, कुछ बातें हो जाए। देखिए आज तो खैर देर हो गई है, लेकिन कल रात को शो के बाद आपका खाना मेरे यहाँ। आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। हाय हाय, सारा के सारा मुस्तंजे जाग रहे, किसी में इतनी सराफत नहीं कि प्यासे को पानी पिला दे। ए वो लंगड़े, देख रहे मेरा गला सूख रहा है, जरा पानी पिला दे। मैं भूल गई। अबे अंतनी तू भी बाल्टी से पिला, गिलास दे ना गिलास। अबे ये कोई गाय भैंस है जो इसको गिलास से पानी पिलाओ, इसको तो बाल्टी से पिलाना चाहिए। इसमें मुंह डाल भूल गई, इसमें मुंह डाले तू, तेरा भाई तेरा बाप मेरे खानदान को गाली देता, तुम तुम्हारा साथ मरेगा मदर इन लॉ। हाय हाय, वो मेरी शादी तो हुई नहीं, मेरी सास को मारे जा रही है। अनोखी तुम जाग रहे हो बाबू? सुन तो, यहाँ अंधेरे में रात को इस तरह मेरे कमरे में आते हुए तुझे डर नहीं लगता? तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आई थी, रात में प्यास लगी तो। ओ, पानी का गिलास लेकर आई थी तो तू क्या समझती है कि पानी के गिलास से मेरी प्यास बुझ जाएगी? तो कल से मैं पानी का पूरा मटका रख जाया करूंगी, ठीक है ना? और अगर मटके भर पानी से भी मेरी प्यास न बुझी तो बाहर समुद्र में जो ऐसा पानी भरा है बाबू, तू चाहती है तो मैं इसमें डूब मरूं? नहीं बाबू, मैं तो ऐसा चाहूं, मैं तो मजाक कर रही थी। एक बार फिर तो हंस। कितना अच्छा हंसती है तू, तेरी पसंद। और जानती है अनोखी,
खून का तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन असली खूनी तो तू है। खूनी? मैं? हाँ तू। जानती है होटल में नाच दिखाकर तूने कितनों का खून किया है? सच्ची तो मैं नहीं जानती बाबू, लेकिन एक तो जिंदा ही रह गया। नहीं अनोखी, वो भी नहीं बच सका, वो बेचारा भी घायलों का तड़प रहा है। बाबू अब मैं जाऊं? कहां जाएगी तू? भगवान की भगवान जाके कहता हूं ये बिल्कुल झूठ है। मैं चोरी का माल क्यों बेचने लगा? खामोश। ये देख मल्लू, ये रहा वो जहाज से चोरी किया माल और ये रहे 200 रुपए। तुझे ये चोरी का माल बेचते हुए पकड़ा है, अब बोल तुझे क्या कहना है? कहना कुछ नहीं, अब तो सिर्फ पूछना रह गया हुजूर से। क्या पूछना है? पूछना है कि हुजूर वो प्रकाश वर्मा है ना खूनी, क्या उसको पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा? क्यों, क्या तूने उसे कहीं देखा है? इधर भी खाया उधर भी खाया, अपन बहुत बिजी आदमी है। हाँ हाँ, तुम तो बड़ा बिजी है, तुम खाता नहीं और देखा है क्या? क्यों बाबू, क्या हुआ, तुम गए थे? हाँ अनोखी, मैं आज साधु का भेष बदल कर रतनलाल से मिला। काफी देर तक बातें होती रहीं। मुझे इत्मीनान हो गया है कि सेठ मगन भाई का खूनी रतनलाल नहीं है। खैर, तुम मुझे बस एक दिन का वक्त और दो, मैं तुम्हें असली खूनी का पता लगाकर बता दूंगी। आज रात को मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? एक जगह, एक के साथ। एक के साथ? कौन है वो, किसके साथ जा रही है तू? नाम तो अभी तक मैंने नहीं पूछा, लेकिन रईस मालूम होता है। नहीं अनोखी, तू नहीं जाएगी किसी के साथ। ऐसा कैसा चलेगा, अपॉइंटमेंट किया है, कुछ मौसकरी नहीं किया है, वो कुछ हमारे तुम्हारे सर का आदमी नहीं है, बहुत हाई क्लास जेंटलमैन, अपॉइंटमेंट रखना मांगता है, मैं तो दिल में क्या सोचेगा। चलो अनोखी, अपॉइंटमेंट इज अपॉइंटमेंट। चलो चलो। दो दिन से कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे, तो कुछ काल में काला नजर आता है। पुलिस की उसे तो पकड़ने आ रही है, तो मेहमान भी कुछ नहीं थी बल्लू को। अच्छा चलो जाओ जाओ, अपना तक काम कर। चलो चलो चलो। सलाम इंस्पेक्टर साहब। खामोश, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो, कोई हिले जुले नहीं। और आप करे रखवाली, मैं कहता हूँ बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे सबकी रखवाली राम ही करता है, तुम्हारा वो मेहमान कहाँ गया? कौन मेहमान है सबके साथ? प्रकाश वर्मा खूनी, ये रहा उसका फोटो। हमने तो इसे कभी नहीं देखा, तुम्हारी कसम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने तो इसे नहीं देखा। लाला जी, तुमने कहीं देखा है? किसको? इसको। हाँ हाँ देखा है। कहाँ? अखबार में। अखबार में? और तुमने? जी अपन के पास ऐसे आदमी को देखने का टाइम किधर है इंस्पेक्टर साहब, अपन बहुत बिजी है। हुकूमत, हम लोगों ने उसे कहा छुपा रखा है, वरना तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगा। उस कमरे में कौन है? उस कमरे में कौन है? कुछ नहीं, ऐसा ही कमरा है। वहाँ भूत भी रहता है। शिव शंभु जय भोला शंकर, काटा लागे ना कंकर, सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। साधु महाराज, हमें किसने पुकारा? नमस्कार महाराज। नमस्कार नमस्कार, सुखी रहो, आनंद रहो, कल्याण हो। मगर महाराज आप जहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब आपको मालूम नहीं, ये बड़े पांचवे महाराज है, आगे की जिंदगी पीछे की जिंदगी सब कहते, इंस्पेक्टर साहब सब कुछ बता देते हैं। दिल पर समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में?
महाराज बड़े अंतर्यामी है। महाराज पाओ लागू महाराज। जियो सुखी रहो सुखी रहो। फिर भी महाराज आप यहाँ कैसे पधारे? रमते राम है साधु संत जोगी बैरागी का क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। बड़ा होनहार भाग्यवान पराक्रमी पुरुष है तू। भाग्यवान महाराज और पराक्रमी भी। हाँ हाँ आपको कैसे मालूम हुआ महाराज? भला हमसे क्या छिपा है बेटा, अब तेरे भाग्य उदय का समय आ गया, तुझे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सच महाराज? हाँ हाँ साधु संत कभी झूठे वचन नहीं देते बच्चा, यहाँ किसी की खोज में आया है। आपसे क्या छिपा है महाराज, मैं यहाँ एक खूनी की तलाश में आया हूँ, कहिए वो मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा और जरूर मिलेगा, किंतु समय लगेगा और आज नहीं मिलेगा। नहीं महाराज, वो आज ही मिलेगा और अभी मिलेगा। अब तेरे भाग्य उदय का समय आ गया। इंस्पेक्टर रहमान को बुद्धू बनाना बच्चों का खेल नहीं, तेरे जैसे कई ढोंगी साधुओं से पाला पड़ चुका है। कांस्टेबल लगाओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझसे छुपा के रखा था और मुझे धोखा देना चाहते थे। बदमाश हो तुम सब लोग, ले चलो इनको भी पुलिस कोतवाली। इंस्पेक्टर साहब हमें क्या मालूम ये कौन है और कौन नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम कैसी गलती कर रहे हैं। मैं तुम सबको जानता हूँ। देखो ना हम लोग बहुत शरीफ आदमी बन गए बाबू की वजह से, अभी तो हम तुमको चीफ मिनिस्टर सलाम करने भी नहीं आए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, मैं बिल्कुल बिगड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल बिगड़ा हूँ, मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। बयान पुलिस कोतवाली चलते देना, मैं ले जाओ इसे। किसी ने ले जाइए, बेचारा बेगुनाह है, इस पर यही खून का इल्जाम लग गया है। तूने तो फैसला भी सुना दिया, बेगुनाह है बेचारा, बेगुनाह है तो पुलिस से चिपका को फिरता था। ले जाओ इसे। कौन लगता है तेरा ये जो तो इसके लिए इतना रो रही है? देखो अभी ऐसे रोने से कैसा चलेगा, अभी अपन को होटल में जाने को बहुत लेट होता है, अपन को जाना चाहता है, नहीं तो पुलिस अपन को भी पकड़ के लेके जाएगा। मुझे नहीं जाना होटल, होटल कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट, वापस कर दे उसके पैसे। अनोखी बेटा ऐसे रोने से क्या फायदा, अगर प्रकाश को छुड़ाना है तो असली खूनी को जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। अरे तुम अपन को बोलता होता ना कि तुमको सुधाकर पर डाउट है, आज वो होटल में आने वाला है, आज उसका अपॉइंटमेंट है, अपन को उधर मिलेगा। चलो अनोखी प्लीज आ। आप सेठ मगन भाई मेहता के ऑफिस की जांच पड़ताल बराबर जारी रखें। हो सकता है कि मुजरिम प्रकाश वर्मा न हो, कोई दूसरा हो। और कौन हो सकता है? पार्टनर रतनलाल या मैनेजर सुधाकर।
कर दिया हसीना, तबीयत खुश कर दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई सच्ची दास्तान देख रहा हूँ। खूब गाती। आपको मेरा खेल पसंद आया? याद है ना अपना वादा, आज रात को शो के बाद मेरे घर खाना खाने का प्रोग्राम? जी याद है, आप बुलाए और मैं ना आऊं। जल्दी करो, देर हो रही है। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते साहब। है जी? नहीं दीदी जी, बाहर गए। अभी तक नहीं लौटे? जी नहीं। कब आएंगे? मालूम नहीं बीबी जी, कुछ कहकर नहीं गए। खाना खाने तो आएंगे? जी हाँ, दो आदमी का खाना बनाने को कहा था, शायद किसी को दावत दी है। आप कुछ पिएंगे? आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बॉय, हम जाते हैं। साहब आए तो कहना हम आए थे। आओ। ये है हुजूर का दौलत खाना, खूब सजा रखा है। कोशिश तो यही की है कि ऐशो आराम के साजो सामान में कोई कमी न रह जाए। फर्नीचर, रेडियो, टेलीफोन, गुल भी है गुलदस्ता भी। कमी थी तो गुलबदन की, सो तुमने पूरी कर दी। सच? हाँ, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। ये क्या है? ये है टेप रिकॉर्डर, आवाज भरने की मशीन। वो क्या चीज होती है? अभी बताता हूँ। देखो, तुम कोई गाना गाओ।
क्यों? इसमें तुम्हारी आवाज आ जाएगी। गाओ ना। क्या गाओ? कोई भी गाना गाओ। जद कर सैया छोड़ो मोरे सैया हो गया आधी रात अब घर जाने दो। वाह हसीना वाह, क्या खूब गाया है। लो अब मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनाता हूँ। सुनो गाओ ना। क्या गाओ? कोई भी गाना। जद कर सैया छोड़ो मोरे सैया हो गया रात अब घर जाने दो। वाह हसीना वाह, क्या खूब गाया है। इतनी जल्दी? हाय अल्लाह गजब। मुझे बताइए कैसे चलाते हैं? बहुत आसान है। देखो इस बटन को इस तरफ घुमा दो और इसे लाल रंग पे कर दो, मशीन खुद ब खुद चलने लगती। खाना तैयार है हुजूर, लगा दो टेबल पर। नहीं अभी नहीं, खाना टेबल पर रख दो, हम बाद में खाएंगे, तुम जाओ। बहुत अच्छा हुजूर। देखो सुबह हमें जल्दी मत चलाना। जी नहीं। क्या ख्याल? ख्याल तो अच्छा है। शुरू कीजिए। आप क्यों तकलीफ करते? मैं खुद ले लेती। लीजिए ना। तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। इतनी दूर क्यों बैठी हो? आओ हमारे पास आओ। लीजिए ना। आखिरी क्लास हसीना के हाथ से दीजिए। आखिरी क्यों हसीना, जितना चाहो पिलाओ। हसीना के हाथ से शराब तो क्या जहर को भी इनकार नहीं। आप क्या करते हैं हुजूर? हम? हम मैनेजर हैं। बस मैनेजर? मैं तो समझी थी कि आप मालिक हैं। तो मालिक कौन है हुजूर? है नहीं थे, सेठ मगन भाई मेहता। क्यों अब नहीं है? नहीं, उन्हें खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया हुजूर? मैंने खत्म कर दिया। कैसे? जहर देकर? नहीं हसीना, जहर से नहीं। मैंने सेठ मगन भाई मेहता को पिस्तौल से खत्म कर दिया। बड़े बहादुर हैं आप, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? खतरा? किसी को शक भी नहीं कि खून हमने किया। शाबाश, बड़ी सफाई से किया होगा आपने ये सब काम। मैंने सेठ मगन भाई मेहता को ऐसी जगह छुप कर मारा कि किसी ने देखा भी नहीं। और मजे की बात ये है हसीना, कि पुलिस का शक किसी और पे है। कौन है वो? है एक प्रकाश नाम का बेवकूफ। हेलो हेलो रतन, मैं कुसुम बोल रही हूँ। सुना तो, तुम जल्दी से पुलिस लेकर सुधाकर के घर आ जाओ। हाँ हाँ, उसने कबूल कर लिया है कि उसने पिताजी का खून किया। हाँ सुधाकर जल्दी से चले आओ, बहुत जल्दी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ
तुमने इसमें मेरी आवाज भर ली? नहीं, कौन हो तुम? पुलिस की जासूस हो? नहीं हसीना, नहीं छोड़ूंगा। आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगी। हसीना, ये क्या कर रही हो हसीना? नहीं हसीना, सुधाकर छोड़ दे इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। कुसुम, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो? जलील, कमीने, बदमाश, जिसका इतने साल नमक खाया उसी का खून किया। छोड़ दे इसे, मैं कहती हूँ। अदालत मेरी गवाही को सच्चा मानेगी। दरवाजा बंद करने के बाद मैं तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। बड़े चार सौ बीस निकले सुधाकर, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। नमक हराम कहीं के। आप बड़े अच्छे मौके पर इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पिता का खूनी। ये देखिए यदि इनमें। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही इस सुधाकर की आवाज इसलिए भर ली है। सच, तुम्हारी कसम। ये कौन? ये तो मुझे पता नहीं, ये कम्बक सुधाकर इसी लेके आया है, लेकिन इसने बड़ी चालाकी से तमाम बयान इसमें ले लिया है। हाँ? आपका नाम क्या है? हसीना। हसीना नहीं, अनोखी। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते मुझे, इंस्पेक्टर रहमान जानते हैं। हसीना, अनोखी, ये मामला क्या? मामला वाला कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लाइए मुझे दीजिए। दीजिए। कांस्टेबल, मकान की तलाशी लो। मिस्टर वर्मा, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। आप रिहा कर दिए गए। हाँ मिस्टर वर्मा, पुलिस को आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। प्रकाश, पिताजी के असली खूनी का पता पुलिस को लग गया। हमने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। और आप जानते हैं असली मुल्जिम कौन है? कौन? सुधाकर। हाँ, सुधाकर। वो देखो, बोरा। मुझे छोड़ दो। प्रकाश। अरे प्रकाश, अनोखी ने तो कमाल कर दिया। सुधाकर के घर पर पहुंचकर अपनी जान पर खेल गई और उसके सारे दिल का राज मालूम कर दिया। हाँ प्रकाश, अनोखी की मदद से ही सुधाकर पकड़ा गया। मुझे छोड़ दो। ये लो, तुम्हारे प्रकाश बाबू। अनोखी, बाबू। अनोखी, छुट गए। हाँ अनोखी, बाबू, तुम छुट गए। बाबू, अरे तूने छुड़ाया है और तू ही पूछ रही है। सच कह रहे हो प्रकाश, एक ही है जो मुसीबतें तुम्हारे काम आई और एक मैं हूँ जो तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटकाने जा रही। ऐसा ना कहो कुसुम, गलत फहमी तो हर एक सो जाया करती, इसमें किसी का दोष नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। याद है मिस्टर वर्मा, एक दिन मैंने आपसे मजाक किया था
कि मैनेजर की नौकरी के लिए 10-15 साल इंतजार करना होगा? जी हाँ, याद है। वो 10-15 साल आज पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है तुम इंतजार ही करोगे। हाँ, मगर मगर हाँ कह दो पापू, हाँ कह दो, हाँ कह दो पापू, हाँ कह दो। बहुत बहुत शुक्रिया पापू को मंजूर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। और बाबू, हम लोग भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम जैसे गवारों को तुमने रास्ता दिखाया, इंसान बनाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे बाबू। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से तुम्हारी कोई चीज बताओ निशानी के लिए था जाऊं। दोगे? मंगता तो आप उनका जान भी हाजिर है। तो फिर आज तुम्हारी बहुत ही अजीज चीज, बहुत ही प्यारी चीज अनोखी मेरे साथ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको तुम्हारी हैसियत और लियाकत के मुताबिक नौकरियां दूं। किसी अगर सुबह ठीक 11 बजे मुझे मेरे दफ्तर में मिलना। किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली, आपके पास मोटी खजाने और अपनी जेब खाली, जेब खाली, जेब।